सहारनपुर वार्ड नंबर 68 के पार्षद प्रत्याशी इमरान सैफी के कार्यक्रम में पुलिस भेजने का काम किया गया। वहीं इमरान सैफी ने यह भी कहा है कि आने वाली 4 तारीख को दिखाएंगे वोट की ताकत और बताएंगे इमरान सैफी क्या है। ना तो मेरे खून के अंदर गंदगी है और ना मैंने कभी गंदे काम किए। आज ये जो काम किया गया है फूल करके बताया गया है कि मीटिंग हो रही है। साथियों, अगर मैं कमीनेपन पे उतर आया तो एक भी मीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आज हरकत की गई है ये बहुत गंदी है और ये हरकत होनी ना चाहिए। इमरान सैफी, इमरान सैफी, दो बत्ती, दो बत्ती, दो बत्ती, दो बत्ती, दो बत्ती, दो बत्ती, दो बत्ती। चचा बाबर साहब भी आएंगे और वो चचा बाबर साहब का सम्मान कर रहे हैं बॉबी भाई पगड़ी पहनाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आसिम मोहसिन, असलम मोहसिन दाना। अहमद भैया साहब, अल्ताफुर रहमान भैया, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। शाहिद सैफी साहब, वो भी मैं अपनी बात इस शेर के साथ करता हूँ कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। ये नाम इमरान सैफी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं बार बार सुन रहा हूँ, बार बार सुना जाता है। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 4 तारीख को दो पत्ती का जो निशान इमरान भाई को पिछली बार ही मिला था वो इस बार भी मिला है। तो दोस्तों, 4 मित्रों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जिन्हें जुनून है ऊंचाइयों को छूना है, जिन्हें जुनून है ऊंचाइयों को छूना है, न रुक सकेंगे कभी आंधियों के रोके से। ये शेर चार ये 2 मिसरे इमरान भाई के लिए और 2 मिसरे मैं पढ़ता हूँ, उसमें आप मेरी बात समझेंगे। क्या जिन्हें जुनून है ऊंचाइयों को छूना है, न रुक सकेंगे कभी आंधियों के रोके से, और वो दिन चिरागों में जलने का हौसला कम है वही चिराग मुझे भी हवा की झोंके से। अभी आप गुलों पे रंग फजा पर निखार किसका है, गुलों पे रंग फजा पर निखार किसका है, ये महका महका हवाओं में प्यार किसका है, और तुम्हारे चेहरों की रंगत बता रही है मुझे, मैं जानता हूं तुम्हें इंतजार किसका है। जनाब हाजी इमरान सैफी साहब अपने हालात का इजहार करें। जनाब सदर मोहतरम, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2017 के चुनाव में अलग बात देखने को मिली थी और आज 2023 के चुनाव में एक अलग बात देखने को मिल रही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग जिन लोगों के खिलाफ मैंने एक लड़ाई लड़ी है, जो बेईमान किस्म के लोग होते थे, जो लोग दूसरों की साथ लूट करते थे, घसोट करते थे, मैंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो आज मैं देख रहा हूँ वही 5-6 लोग मेरे खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। साथियों
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सभी लोग ना तो मेरे खून के अंदर गंदगी है और ना मैंने कभी गंदे काम किए। आज ये जो काम किया गया है फोन करके बताया गया है कि मीटिंग हो रही है। साथियों, अगर मैं कमीनेपन पे उतर आया तो एक भी मीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये जो आज हरकत की गई है ये बहुत गंदी है और ये हरकत होनी ना चाहिए। लेकिन साथियों, हमारे पास परमिशन थी, हम थोड़ा लेट हो गए थे, उसके लिए हमने उनको सॉरी कह दिया। लेकिन आप लोग देख लो ये जो हरकत की गई है, क्या ये सही है या गलत है? लेट भी क्यों होते हैं? लेट भी क्यों होते हैं? 9 बजे जो है, 9 बजे नमाज शुरू है 4 तारीख को। देना क्या कह रहे हैं? मेरा इशारा किधर नहीं है, मेरा जो मुखालिफ चुनाव लड़ रहा है उसकी ओर है। फोन करके मुझे SDM साहब ने बता दिया है कि कंप्लेन आई है, इसलिए यहाँ आना पड़ा है, और उसने कंप्लेन की है, बिल्कुल साफ उसने कंप्लेन की है। तो साथियों, इस चीज का जवाब 4 तारीख को देना है। तो आपको दिल्ली बिरादरी का भी समर्थन है? पूरा, हमेशा मिला है। 2006 से सभासद रहे, फिर 17 में पार्षद बने, तो उनके समर्थन से ही तो बने, सेक्टर की हर बिरादरी के लोगों से। आज जो कार्यक्रम के चलते जो बाधा डालने की कोशिश की गई, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं? अब मुझे बौखलाहट होती है तो वो आदमी इधर भी इधर हाथ पैर मारता है, ये सोचता है किसी तरह इनके कार्यक्रम में बाधा डाल लूं, इन्हें नीचा दिखाऊं। लेकिन इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। देखिए, ये है सेक्टर 68 की जनता जो बता रही है कि ये इनके समर्थक की साथ साथ ये मैं परिवार करना चाहता हूँ, और यहाँ इन्होंने विकास किया है, विकास के नाम पर ये लोग वोट मांगने के लिए निकले हैं। हालांकि दूसरा कैंडिडेट भी बीच में खड़ा है, दो बत्ती।